सही वाले। You like it? Yeah. तो अभी हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ट्राई करते हैं। ये 35 है। Wow, काफी हैवी है। पाकिस्तान एफ्राबाद से बोला। अच्छा, हमारे ग्राई हुई, हम जो मानसेरा वाले हैं भाई, ग्राई के एक ही है। एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से अगर वन बेडरूम का कोई अपार्टमेंट ले तो कितना रेंट आता है उसका? आप कौन सी एरिया में जा रहे हो? अगर आप ऑस्टिन की तरफ जा रहे हो तो एक बेडरूम का आपको 2000-2500 में मिलेगा। बीप बन कबाब इनका बहुत अच्छा है, बहुत लजीज है और काफ़ी मज़े का जो है बन कबाब है इनका। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। तो इस टाइम मैं ऑस्टिन सिटी के अंदर मौजूद हूँ। ऑस्टिन सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ कि ये टेक्सास का जो है वो कैपिटल है। जैसे पूरे मुल्क का एक कैपिटल होता है, इसी तरह जो है यहाँ अमेरिका के अंदर हर स्टेट का जो है वो अलग अलग जो है कैपिटल होता है। जैसा कि हम लोग इस टाइम टेक्सास स्टेट के अंदर मौजूद हैं और टेक्सास का जो कैपिटल है वो ऑस्टिन है। और ये इस ऑस्टिन के हवाले में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँ कि यहाँ पर जो है टेक के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं ऑस्टिन सिटी के अंदर। और ये एक हिल एरिया है, यहाँ पे अप एंड डाउन है, जैसे पहाड़ी इलाका होता है तो उसी तरह का जो है ऑस्टिन एरिया है यहाँ पे। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ 6th फ्लोर के ऊपर अपने होटल की, और यहाँ से मैं आपको सिटी का व्यू देता हूँ। ये देखें, ये नीचे मेन रोड जो है वो जा रही है और यहाँ पर ये आप देखें सब लाइन से जो है होटल वगैरह बने हुए हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम लोगों ने चेकिंग वगैरह करवा दिया है और अभी हम लोग रूम के अंदर चलते हैं और आपको भी रूम का जो है वो टूर करवाते हैं कि यहाँ पे कैसा रूम है। तो हमें रूम नंबर मिला है 715। सही वाले। यू लाइक इट? ये अच्छा। तो अभी आपको मैं अपना रूम टूर करवाता हूँ। यहाँ पे ये आप देखें, ये एक टेबल वगैरह दी है, बैठ के अपना अपने लैपटॉप वगैरह या कुछ भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एक जो है टीवी यहाँ पे दिया है, छोटा सा टीवी है। और यहाँ पे ये कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी मशीन है, ग्लास वगैरह दिए हैं। और ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हाँ, ये कॉफ़ी है और ये ग्लास वगैरह हैं। और ये देखें, यहाँ पे जो है ये फ्रिज दिया है, छोटा सा मिनी फ्रिज है अंदर, और माइक्रोवेव भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। तो फ्रिज और माइक्रोवेव ऊपर नीचे रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर जो है एसी है और ये 2 बेड्स हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये आप देखें 2 बेड्स और काफ़ी नाइस क्लीन रूम है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर ये देखें वॉशरूम का आपको विजिट कराऊँ। ये देखें यहाँ पे ये डव हैंड वॉश एंड बॉडी लोशन दिया है। और ये आप चेक करें, मेकअप रिमूवर वाइप्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये छोटा सा जो है इन्होंने कवर दिया है। और ये इस्त्री करने के लिए स्टैंड है कपड़ों का। ये देखिए, ये शावर है। इस होटल में हम लोग आए हैं, हॉलीडे इन होटल का नाम है। और ये तकरीबन मुझे पर नाइट $75 में जो है वो पर नाइट मुझे मिला है, तो जो कि रीज़नेबल प्राइस है ये। तो रूम भी छोटा है लेकिन ठीक है, 4 लोगों के हिसाब से, 2 बच्चों का और 2 अडल्ट्स का। अच्छा, तो यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है नीचे, ये आप देखें। ये देखें सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। और ये आपको विज़िट करवाता हूँ यहाँ पे। ये जो है रेस्टोरेंट है छोटा सा, मतलब आप खाना पीना यहाँ से, दारू वगैरह आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये देखें, ये बार बना हुआ है, मिनी बार है, और फूड वगैरह आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का। ये यहाँ का जिम है, ठीक है, स्मॉल जिम है। ये देखें, यहाँ पर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये रनिंग मशीन है। ये देखें, जन्नत ने जो है वो डंपल उठा दिया, नंबर 5 है। अच्छा, वो वाला हैवी है। तो अभी हम लोग भी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ट्राई करते हैं। ये 35 है। वाओ, काफी हैवी है। ओह, आर यू हैप्पी? यस, इट्स वेरी हैवी फॉर मी। पुट इट बैक। ओके, एंड नाउ वी गो।
और यहाँ पर ये देखें छोटी सी मिनी लॉन्ड्री है, अगर आपको कपड़े वगैरह यहाँ पे अपने धोने हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ भी है। इसमें क्वार्टर्स वगैरह डलते हैं, क्वार्टर डलते हैं तो आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे जो है कपड़े अपने धो सकते हैं। यहाँ पर ये आइस मशीन है, अगर आपको आइस वगैरह चाहिए तो ये आइस मशीन है, और आपको सोडा वगैरह पीना है तो उसकी अलग से वाइंडिंग मशीन है। ये हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए हम लोग आए हैं ऑस्टिन के अंदर, और अभी चलते हैं फूड वगैरह टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस टाइम आए हैं ज़ाविया ग्रिल के अंदर। अच्छा, तो अभी इस टाइम हम लोग ज़ाविया रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं, और लेट होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रिल आइटम है और राइस वगैरह बिरयानी वगैरह है वो इस टाइम ग्रिल आइटम क्लोज़ हो गया और बिरयानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जो हम ऑर्डर नहीं कर सकेंगे वो। तो अभी इनके पास अवेलेबल में करीज वगैरह जो भी मौजूद हैं तो उसमें से सिलेक्शन करके जो है ऑर्डर करते हैं और फूड यहाँ का जो है वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू है, ये आप देखें, और इस टाइम ये आप देखें चेयर वगैरह को उल्टा करके टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग का टाइम है। भाई कैसे हैं आप? जी वाकिफ़ जी अलहमदिल्ला ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? सर मेरा पूरा नाम काशिफ अली है। ठीक, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान एबटाबाद से बिलोंग करता हूं। अच्छा, एबटाबाद से हैं। ठीक ठीक, तो आप तो हमारे ग्राई हुई, हम जो मानसेरा वाले हैं भाई, तो आप ग्राई के एक ही है तो जिले जिले का ही फर्क है। जी जी, तो कितना टाइम हो गया यूएस के अंदर आपको? सर मुझे 2 साल। 2 साल हो गए यहाँ पे आपको? ऑस्टिन में ही आप फर्स्ट टाइम आप आए या पहले किसी और स्टेट में थे? जी, मैं ऑस्टिन में आया। अच्छा, ऑस्टिन में ही है। ठीक ठीक, और यहाँ पे आपको क्या ऑस्टिन के अंदर देसियों की तादाद कितनी है यहाँ पे? अच्छी है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है देसी। अच्छा, तो आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे, और देसी कस्टमर के क्या है, और यहाँ पे जो लोकल वगैरह लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर या नहीं? लोकल की तादाद आप ये समझ लो कि 1-2% या 3% होगी, जिसमें अपने अमेरिकन जो हैं वो थोड़े हैं, थोड़े से ज़्यादा मैक्सिकन हैं, बाकी हमारे देसी ज़्यादा हैं। अच्छा, और आपके रेस्टोरेंट बिल्कुल 100% हलाल है, राइट? 100% हलाल, यहाँ पे कोई बियर वगैरह कोई इससे कोई सेल नहीं होता? कुछ भी नहीं है। तो आपकी यहाँ पे जो सबसे एक यूनिक डिश होती है, स्पेशल डिश होती है, वो क्या है फेमस? सर इस तरह तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अगर आप देखें स्पेशल पाकिस्तानी डिश करके बोलें तो निहारी और पाया जो है वो हमारा यहाँ का फेमस है। उसके बाद हमारे ग्रिल के आइटम बहुत अच्छे हैं, जिसमें बिहारी कबाब और मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी, ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत टॉप ब्रांड हैं हमारे यहाँ के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया कितना है, मतलब कि कितने पीपल? सर ये तकरीबन 100+ चले जाते हैं, तो बाहर मिला के तो तकरीबन। अच्छा, बाहर भी आपने बनाया हुआ बैठने के लिए? 130 तक जाता है, लेकिन वो गर्मियों में कम ही बैठते हैं, सर्दियों में लोग बैठते हैं, 130 से ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये जो आपका रेस्टोरेंट है ये किस एरिया के अंदर जो है वो आता है? सर ये लुमार, इस एरिया को बोलते हैं ऑस्टिन का डिस्ट्रिक्ट है, लुमार ये वाला एरिया, नॉर्थ लुमार। ऑस्टिन में मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है बनिस्बत ह्यूस्टन के, क्या ये सच है? मतलब कि थोड़ा महंगा है। महंगा, राइट? यहाँ पे महंगाई जो है वो ह्यूस्टन के मुकाबले ज़्यादा है? हाँ, ऑस्टिन क्योंकि उतना बड़ा सिटी नहीं है जितना ह्यूस्टन है, और फिर पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है और महंगा है थोड़ा, क्योंकि हाई क्वालिटी लिविंग एरिया है तो ऑफकोर्स हाई क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से अगर 1 बेडरूम का कोई अपार्टमेंट ले तो कितना रेंट आता है उसका? इस डिपेंड करता है ना आप कहाँ ले रहे हो। नहीं, एक नॉर्मल एवरेज जैसे आप एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ, आप कौन से एरिया में जा रहे हो? अगर आप ऑस्टिन की तरफ जा रहे हो तो 1 बेडरूम का आपको 2000-2500 में भी मिलेगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या थोड़ा साउथ ऑस्टिन से निकल के जा रहे हो तो 1000+ में जाता है, 1300-1400 में मिल जाता है 1 बेडरूम। चले, आज हम थोड़ा लेट हो गए, आप अगर जल्दी आते तो हम लोग ग्रिल वगैरह भी जो है वो आपकी ट्राई करते। काफ़ी चीज़ें नहीं थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि शेफ आज क्लोजिंग टाइम करता है, ऊपर से क्लोजिंग टाइम बिल्कुल एंड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारा बीफ बन कबाब जो है वो आ चुका है, इसके अंदर अंडा है, बीफ बन कबाब की टिक्की है और सैलड वगैरह इसके अंदर रखा हुआ है। तो अभी फर्स्ट बाइट जो है वो हम लोग लेते हैं बीफ बन कबाब की। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह।
बीफ बन कबाब इनका बहुत अच्छा है, बहुत लजीज है और काफ़ी मज़े का जो है बन कबाब है इनका। अच्छा तो अभी हम लोगों का ऑर्डर आ गया है, ये हमने ऑर्डर किया है चिकन कौरमा और साथ में नान है। ये लोगों ने चिकन कौरमा ऑर्डर किया था और अभी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा जायका है, कैसा टेस्ट है। तो फर्स्ट बाइट हमारी चिकन कौरमे के साथ। तो ये हमारी एक बाइट जो है वो कंप्लीट होने जा रही है, ये देखें फर्स्ट बाइट। अच्छा, इनके जो कौरमे का जो टेस्ट है वो एक नॉर्मल टेस्ट है कौरमे का, जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है वैसा टेस्ट है। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो इसकी एक बाइट हम और लेते हैं कौरमे की। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल टेस्ट है कौरमे का, तो इतना ज़्यादा वाव अमेजिंग वो वाला टेस्ट तो मुझे इसमें नहीं मिला, लेकिन नॉर्मल टेस्ट है कौरमे का। अच्छा तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।